आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। नाज़रीन आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज, मैं हूं नौशी। कोरोना वायरस से अमवातों का सिलसिला मुल्क भर में लगातार जारी है। जहां शमशान घाटों में इन्हें जलाने के वसायल दस्तियाब नहीं हैं और मरने वालों के रिश्तेदारों की जानिब से अब इन्हीं लाशों को दरियाओं में बहाया जा रहा है और ये सड़ी गली लाशें बिहार के जिले बक्सर में दरियाए गंगा के किनारे बहती हुई किनारों पर आ गईं, जिसके बाद वहां खौफनाक मंजर वो पेश कर रही थी। इससे हिंदुस्तान में कोविड बोहरान की शिद्दत का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। अभी तक दर्जनों नाशें बिहार के उत्तर प्रदेश के सरस से मुतसिल 64 टाउन में दरिया से बहती हुई किनारों पर आ चुकी हैं और वहां के मकीनों के लिए खौफनाक माहौल पैदा हो गया है। दरिया के किनारे 40-45 नाशें तैरती हुई पाई गई। मकामी आवाम जब सुबह जागी तो इन्हें अपने घरों के करीब खौफनाक मनाजिर देखने को मिले। मकामी इंतजामिया का मानना है कि ये नाशें उत्तर प्रदेश से बहती हुई आई हैं और ये कोविड के फौतशुदा मरीजों की नाशें हैं, जिनके रवायकीन को शायद शमशान घाट में उनकी चिता जलाने या कब्रस्तानों में इन्हें दफन करने के लिए दरकार वसायल और गुंजाइश मैसर नहीं आए। चौसा जिले के सरकारी अहदेदार अशोक कुमार का कहना है कि तकरीबन 4 दर्जन नाशें पाई गई हैं जो चौसा के महादेव घाट पर मौजूद हैं। जाहिरी तौर पर यही मालूम होता है कि ये नाशें दरिया में बहा दी गई। इन्होंने बताया कि मजीद नाशें बरामद हो सकती हैं, जिनकी तादाद 100 के करीब पहुंच सकती है। ये नाशें कम अज कम 5-7 दिन पानी में रही, जिसकी वजह से सड़ गल गई है। सरकारी इंतजामिया की तरफ से नाशों को तलब किया जा रहा है और इसकी तहकीकात की जा रही है कि नाशें कहां से आई, उत्तर प्रदेश के किस टाउन से ये आई हैं, आया बहराइच या वाराणसी या इलाहाबाद। एक और सरकारी अहदेदार का मानना है कि नाशें यकीनी तौर पर बिहार के जिले से ताल्लुक नहीं रखती, हम इस तरह नाशों को दरिया में नहीं बनाते। इन्होंने बताया कि नाशों की वजह से टाउन में खौफ का माहौल फैल गया है और सड़ी गली नाशों से इन्फेक्शन पैदा होने और दरिया का पानी आलिदा होने का भी पूरा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। कुत्तों को नाशों के करीब भौंकते देखा गया। इससे पता चलता है कि पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की सूरत हाल किस कदर खौफनाक हो चुकी है। हम इन्हें नाशों को जल्द अज जल्द दफना देना होगा। जिले नज़्म व नस्क के अहदेदार वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और नाशों की सफाई का इंतजाम किया। इस दौरान यूपी और बिहार के दरमियान एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का खेल अब शुरू हो चुका है। दोनों ही रियासतें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने लगी हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि हफ्ते को कई जुज़वी तौर पर जली हुई नाशें अमीरपुर टाउन के दरियाए यमुना में बहती हुई पाई गई थी। इसी बीच कांग्रेस का दावा है कि ये नाशें कोविड अमवातों की उन अब कही अबतर सूरत हाल का खुला सबूत है। वहीं चीफ मिनिस्टर योगी यूपी आदित्यनाथ मुसलसल दावे कर रहे हैं कि रियासत में कोविड के इलाज मुआलजे के लिए दरकार अशिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ ही इनके रियासत से नाशों के अंबार निकल आ रहे हैं, जो कि इंतहाई खौफनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज।